नमस्कार, मैं उप्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चलिए जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर देश बनाने का दिया संदेश। कोविड-19 के बढ़ते असर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन एक बार फिर से देश का संबोधन किया था, जहां पर उन्होंने कोविड-19 के रोकथाम के लिए और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई सारी बातें भी कही, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातों ही बातों में भारत को आत्मनिर्भर देश बनाने का संकेत दिया है, जिसके उदाहरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीपीई किट के भारत में निर्माण होने की बात कही है। जानकारों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इशारा देश को आत्मनिर्भर बनाने पर था, क्योंकि इससे पहले भारत ने पीपीई किट का निर्माण नहीं करवाया था, लेकिन अब वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारत खुद से इसके निर्माण में जुट गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि हम न केवल लोकल पर भरोसा करें बल्कि उसके लिए वोकल भी बन जाए, उसका प्रचार प्रसार भी करें। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस लोकल वोकल की बात की है उसके लिए रकम कहां से आएगी, तो इसके जवाब में उन्होंने खुद 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, जो भारत के जीडीपी का 10% हिस्सा होगा। रेल यात्रा की तरह हवाई यात्रा के लिए भी आरोग्य सेतु ऐप हुआ अनिवार्य। कोविड-19 को चिन्हित करने के लिए बनाए गए आरोग्य सेतु मोबाइल सेवा, जहां एक तरफ रेल यात्रियों के फोन में इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया गया था, वहीं अब विमान यात्रा के लिए भी इसे अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि रेलवे के शुरुआत होने के बाद सरकार देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों के लिए घरेलू हवाई यात्रा भी शुरू करने पर सोच विचार कर रही है। एक मीडिया हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ट्रेन की तरह ही घरेलू हवाई यात्रा भी शुरू करने पर विचार कर रही थी। उसी तरह हवाई सफर में यात्रियों को अपने फोन में आरोग्य सेतु सेवा डाउनलोड करने के लिए ही फ्लाइट में चढ़ने की अनुमति देगी, जिसके लिए उड्डयन मंत्रालय ने सरकार के पास प्रस्ताव भेज दिया है। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति प्रदान कर दी जाएगी। कंधे पर बैलगाड़ी उठाकर अपने राज्य तक का कर रहे हैं सफर। कोविड-19 के बढ़ते असर के कारण राज्यों में प्रवासी मजदूर ने पलायन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि पैदल चलकर मीलों तक रास्ता तय करना है और कोई साइकिल तो कोई गाड़ी के सहारे अपना घर का रास्ता तय कर रहा है। इसी बीच मध्य प्रदेश के एक हाल ही में एक मामला सामने आया है, जहां पर एक परिवार बैलगाड़ी से तो घर जा रहा है, लेकिन एक बैल कम होने की वजह से परिवार के लोग खुद बैल की जगह पर बोझ उठा रहे हैं। खबरों की माने तो यह सभी लोग बैलगाड़ी के जरिए महू के इंदौर पथरा मुंडला रहे थे और रास्ते में एक बैल के जान चले जाने की वजह से लॉकडाउन होने के कारण दूसरे बैल का इंतजाम नहीं कर सकते थे, लेकिन खुद ही एक बैल की जगह पर कंधे पर गाड़ी खींचने का काम शुरू करने लगे। इसी क्रम में कभी भाई अपने कंधों पर बैलगाड़ी का एक हिस्सा संभालता तो कभी भाभी अपने कंधों पर। लॉकडाउन के चौथे फेज में काफी छूट मिलने की है उम्मीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन राष्ट्र का संबोधन किया था, जहां पर उन्होंने बंद का चौथा चरण पूरी तरह से नए रंग रूप वाला होगा इस बात का आश्वासन दिया था, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बंद का चौथा फेज पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियम वाला होगा, जिससे जुड़े जानकारी भी 18 मई को सभी को दे दी जाएगी। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोविड-19 की इस परीक्षा को पास कर लेंगे। वहीं लॉकडाउन के अगले फेज के लिए संकेत देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों को अपने हिसाब से नियम तय करने में छूट दी है, चाहे वह रेड जोन हो या ऑरेंज जोन हो या फिर ग्रीन जोन हो, हर जगह पर या फिर मजदूरों को ले जाने के लिए कोई भी निर्णय हो, अब राज्य अपने मन मुताबिक नियमों में ढील दे सकती है। कोविड-19 को समझने के लिए भारतीयों के जीन पर परीक्षण हुआ शुरू। भारत में कोविड-19 से अब तक कई अलग अलग रूप देखने को मिल चुके हैं। इस अध्ययन के परिणाम के कुछ महीने इंतजार करना पड़ेगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि भारतीयों में लक्षण हल्के देखने के पीछे कोई वजह जरूर है, क्योंकि भारत में कोविड-19 से अब तक के अलग अलग रूप देखने को मिले हैं। ज्यादातर मरीज ऐसे हैं जिनमें कोविड-19 का असर हल्का या बगैर लक्षण के साथ दिखाई दे रहा है। ऐसे में वैज्ञानिकों का यह मानना है कि ज्यादातर भारतीयों में कोविड-19 का असर काफी निष्क्रिय दिखाई दे रहा है, जबकि अमेरिका सहित दुनिया के अन्य बड़े देशों में कोविड-19 का सबसे तीव्र रूप नजर आ रहा है, और यही कारण है कि अब वैज्ञानिकों ने भारत के जीन पर परीक्षण शुरू कर दिया है। खबरों की माने तो भारतीयों के जीन पर परीक्षण शुरू करने का काम CSIR के वैज्ञानिक ने किया है, जहां पर यह सभी वैज्ञानिक कोविड-19 के लक्षण को समझने की कोशिश करेंगे। कोविड-19 के मामले भारत में 12.2 दिन में हो रहे दोगुने। जहां भारत में लगातार कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में दोगुने होने का स्तर 12.2 दिन में देखने को मिल रहा है, जिससे भारत सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय को थोड़ी राहत मिली है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी जानकारी देते हुए कहा है कि भारत में कोविड-19 को प्रतिदिन 1 लाख कोविड-19 व्यक्तियों की पहचान करना है और ज्यादा आसान हो गया है, साथ ही इसके रोकथाम के लिए भी काफी ज्यादा मददगार साबित हुआ है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने प्रवासियों और विदेशों से लोगों की वापसी को देखते हुए निगरानी बढ़ाने का ऐलान जारी किया है, साथ ही संपर्क में आए लोगों की तलाश करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि संक्रमण के कारण जान गंवाने वालों की दर 3% है और उपचार के बाद स्वस्थ होने वालों की संख्या का वर्तमान दर 31.74% है, जिसमें समय के साथ लगातार वृद्धि देखी जा रही है। भारत में कोविड-19 के फैलने की रफ्तार है धीमी। भारत में कोविड-19 के फैलने की रफ्तार को काफी धीमा बताया गया है, जिसका खुलासा इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस ने हाल ही में अपने एक नए रिसर्च के दौरान जारी किया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि देश में कोविड-19 फैलने की दर कम है। मौजूदा वक्त में एक कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति से औसतन
1.23 लोगों को संक्रमित कर रहा है। इस दर को रिप्रोडक्शन रेट या फिर आर नंबर भी कहते हैं। एक मीडिया हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक 13 अप्रैल से 10 मई तक भारत में कोविड 19 का रिप्रोडक्शन रेट 1.23 रहा, जबकि कई इलाकों में 4 मई के बाद छूट दी गई थी। इधर कुछ ही राज्यों में बढ़ोतरी हुई है जहां पर कोविड 19 के ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं बंद के पहले चरण की शुरुआत भी 27 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक आर नंबर 1.83 था। कोविड 19 के मरीज की संख्या पर रिसर्च करने वाले सीताभरा सिन्हा ने बताया है कि 17 मई तक सक्रिय मामलों की संख्या 70 से 80 हजार हो सकती है। पाकिस्तान की संसद में कोविड 19 प्रभावितों की बड़ी संख्या। कोविड 19 का कहर पूरी दुनिया में बरकरार है और वहीं पाकिस्तान भी इससे अछूता नहीं है। पाकिस्तान में भी लगातार कोविड 19 के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते दिन पाकिस्तान में स्पीकर के पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब 4 सांसद भी कोविड 19 पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें मौलाना अताउर रहमान, मिर्जा मोहम्मद अफरीदी, अबीदा मोहम्मद अजीमा और सीनेटर फिदा मोहम्मद कोविड 19 से संक्रमित पाए गए हैं। इससे पहले हाल ही में पाकिस्तान नेशनल असेंबली के स्पीकर असद कैसर कोविड 19 से संक्रमित पाए गए थे। वहीं पाकिस्तान में कोविड 19 का मामला भी लगातार बढ़ता जा रहा है। केवल 2 प्रांतों में 25,000 से ज्यादा लोग प्रभावित पाए गए हैं। वहीं सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके की बात करें तो पाकिस्तान का पंजाब और सिंध प्रांत इलाका है, जहां पर सबसे ज्यादा कोविड 19 से परेशान है, क्योंकि इन्हीं 2 इलाके में कुल मिलाकर 25,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं पूरे पाकिस्तान में 37,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं। बंद के बीच बिहार के कई जिलों में भूकंप के झटके। कोविड 19 के कारण लोग काफी ज्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं। इसी बीच मंगलवार देर रात बिहार के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.3 मापी गई है, जबकि भूकंप का केंद्र बिहार सीमा से सटे नेपाल के दोखला जिले में था। भूकंप के कारण बिहार के कई जिलों में कंपन महसूस किया गया है। देर रात करीब 11:15 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उसके बाद लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलने लगे, जिसके तहत बिहार के मुजफ्फरपुर के अलावा मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, मोतिहारी और समस्तीपुर समेत उत्तर बिहार के कई जिलों में इस भूकंप के झटके को महसूस किया गया है। ट्विटर ने अपने सभी कर्मचारियों को जब चाहे तब घर से काम करने की दी छूट। ट्विटर ने अपने सभी कर्मचारियों को कोविड 19 के दौरान घर से काम करने की छूट दी है। वहीं अब ट्विटर ने कोविड 19 के बाद भी अपने कर्मचारियों को छूट देने का ऐलान जारी किया है कि जो भी कर्मचारी घर से काम करना चाहते हैं वो अपने घर से काम कर सकते हैं। जिसके तहत ट्विटर ने बीते दिन एक बयान जारी किया है और कहा है कि अगर हमारे कर्मचारी घर से काम करने की स्थिति में हो और वे ऐसा हमेशा के लिए करना चाहते हैं तो हम इसे पूरा करने में प्रयास करेंगे। कंपनी की ओर से ट्विटर के CEO ने अपने बयान में कहा है कि हालात को देखते हुए अपने कर्मचारियों को यह सुविधा दे रहे हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा भी जरूरी है, इसलिए जब तक वे लोग चाहे घर से काम कर सकते हैं। इसके अलावा कर्मचारियों के पास सुरक्षा का ध्यान रखते हुए कंपनी के कार्यालय में काम करने का विकल्प खुला रहेगा। बयान के अनुसार ट्विटर सितंबर से पहले अपने ऑफिस नहीं खोलेगा और उसके बाद कुछ अपवाद को छोड़ किसी भी तरह की व्यापारी यात्रा नहीं की जाएगी। सिर्फ ट्विटर नहीं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न जैसी अन्य तकनीकी कंपनियों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की सुविधा दे दी है। युवराज सिंह ने बताया कि उनके रिकॉर्ड को बदलने की ताकत है किस खिलाड़ी में। भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी युवराज सिंह ने ट्विटर पर अपने फैन के सवाल का जवाब देते हुए हार्दिक पांड्या को T20 में सबसे तेज 50 का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए चुना है। दरअसल एक फैन ने उनसे ट्विटर पर जब यह सवाल किया कि उनके अनुसार युवराज सिंह का सबसे तेज T20 में 50 का रिकॉर्ड तोड़ने की क्षमता किसमें है, जिसके जवाब में युवराज सिंह ने हार्दिक पांड्या का नाम लिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हार्दिक पांड्या एक ऐसे खिलाड़ी है जो उनके सबसे तेज T20 अर्धशतक के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। युवराज सिंह ने 2007 के T20 वर्ल्ड कप में 12 गेंदों में अर्धशतक जड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसे आज तक कोई खिलाड़ी नहीं तोड़ पाया है। अर्धशतक में युवराज ने इंग्लैंड के खिलाफ स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 6 छक्के जड़े थे, जिसके बाद आज तक इस रिकॉर्ड को कोई भी नहीं तोड़ पाया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। युवराज सिंह के कथा अनुसार T20 में सबसे ज्यादा 50 के रिकॉर्ड को क्या हार्दिक पांड्या आपके अनुसार तोड़ पाएंगे या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।